घुटने में सूजन, या आम तौर पर हम कहते हैं कि कभी डॉक्टर को दिखाने पे कि घुटने में पानी बन गया है, उसका क्या कारण होता है, किस वजह से हमें घुटने की सूजन आती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना है ताकि आपके आपके परिवार में किसी को अगर इस प्रकार की समस्या हुई और बार बार इफ्यूजन होता जा रहा है, सूजन होती जा रही है, तो आपको समस्या का समाधान भी मिल सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर आपको सही ट्रीटमेंट भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लिजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। घुटने में सूजन आ जाना, या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि पानी भर गया, कई बार मरीज हमारे पास आते हैं कहते हैं कि मेरे घुटने में पानी हो गया है, और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार मेरे ये पानी निकाल भी चुके हैं फिर भी बार बार ये पानी हो रहा है, तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर हम अपने घुटने की नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। घुटने का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम साइड में आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर ऊपर फीमर बोन, नीचे टीबिया बोन, सामने में पटेला बोन, दोनों फीमर और टीबिया के बीच में हमारे मेनिस्कस होते हैं जो कुशन का काम करते हैं। तो ऊपर फीमर बोन, टीबिया, मेनिस्कस और इस ज्वाइंट को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है, ये साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा ज्वाइंट जिसमें हमारी एक परत होती है, इस ज्वाइंट को पूरा का पूरा रोकने के लिए उसको कहते हैं साइनोवियम, और एक कैप्सूल होता है, बाहर की परत होती है। ये साइनोवियम का काम क्या होता है, इस साइनोवियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फ्लूड बनाना, नॉर्मल फ्लूड बनाना। आप हमारे घुटने के अंदर नॉर्मल भी एक लुब्रिकेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, और एक नॉर्मल भी इस साइनोवियम का काम होता है, जिसको हम आम कह रहे हैं कि पानी बन जाता है, तो थोड़ा वो लुब्रिकेंट बनाने का काम साइनोवियम का नॉर्मली है। तो साइनोवियम, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, रनिंग, जंपिंग, सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से घुटना, उसको एक लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। जब भी वो बेंडिंग हो रही है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, बेंडिंग हो, एवरी टाइम दैट लुब्रिकेंट इज हेल्पिंग अस, तो वो जो साइनोवियम अपना एक लुब्रिकेंट बनाता है उसी को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूड। जब ये नॉर्मल काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं, तब पे बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि वो अपनी मात्रा से ज़्यादा काम करने लग जाए किसी भी वजह से, तब ये साइनोवियल फ्लूड बनने लग जाता है, उसी को हम कहते हैं साइनोवाइटिस। कि जब ये साइनोवाइटिस बन रहा है या फिर साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन हो गई, तब वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा है। जब वो नॉर्मल काम कर रहा था, लुब्रिकेंट बन रहा था, हमारी ज़िंदगी सही चल रही थी, लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं कर रहा है, ये एबनॉर्मल फेज में हो गया और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब ये एबनॉर्मल फेज में होता है तो बार बार हमारे घुटने के अंदर सूजन आने के कारण होते हैं। अब हम जानते हैं किस किस वजह से ऐसा हो सकता है। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल आप समझ सकते हैं, ट्रॉमा, यानी कि चोट लग गई। अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है तब ये फ्लूड डेफिनेटली बढ़ सकता है, साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चोट लगती है, हमें इन्फ्लेमेशन आती है, उसकी वजह से साइनोवियम हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे आपको ACL टीयर हो गया, आपको PCL टीयर हो गया, मेनिस्कस इंजरीज हो गई, या फिर एक्यूट ट्रॉमा हो गया, तो इनके अंदर इसको ट्रॉमा की वजह से हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बार बार बनता है, ट्रॉमा में तो आपको पता है कि वह चोट की वजह से बना है, लेकिन एट्रोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि एट्रोमेटिक का मतलब जहां चोट भी नहीं लग रही है और आपको फिर बार बार सूजन बन जा रही है, सूजन बन गई है, तो वो ज़्यादा चिंता का विषय होता है। उसके अंदर नंबर वन कारण आता है हमारा अर्थराइटिस, कि अगर हमें रूमेटोइड अर्थराइटिस है, गठिया भाव वाले मरीज होते हैं, गठिया भाव के अंदर हमारा जितना भी कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है, साइनोवियम हाइपरट्रॉफी ठीक हो जाता है, साइनोवाइटिस हो जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बार बार होकर जोड़ों में सूजन आने लग जाते हैं, बार बार ये फ्लूड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, नंबर वन का। नंबर टू, इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हमें चल रहा है तब भी ऐसा हो सकता है। बहुत बार हमारी बॉडी के अंदर अदर इन्फेक्शन होते हैं जो लार्ज ज्वाइंट्स को जाके इन्वॉल्व हो सकता है। आपके यूरिन का इन्फेक्शन है, आपके पेशाब में जलन चल रही है, लेकिन आपके घुटने के अंदर भी सूजन आ सकती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव टाइप ऑफ अर्थराइटिस, जहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से हो गया, सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं। तो सेकंड कंडीशन होती है नॉन ट्रॉमेटिक, इज सेप्टिक अर्थराइटिस। और थर्ड और जो सबसे कॉमन हमारे लोग पीड़ित हो रखे हैं, दैट इज ओस्टियो अर्थराइटिस या डिजेनरेटिव स्पाइन, डिजेनरेटिव डिजीज, की एज की वजह से, जैसे जैसे एज्ड हो रहा है और ज़्यादा ओवर यूज्ड हमारा हो रहा है, तो कार्टिलेज काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है, उसने आसपास में इन्फ्लेमेशन कोज कर दी है। कार्टिलेज जब डैमेज हो गया फीमर के अंदर, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रोज कर रही है, फ्रिक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से साइनोवाइटिस हो रहा है, साइनोवियम इन्फ्लेम हो चुका है और वो हाइपर एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार फ्लूड जमा होता रहता है, सूजन आती रहती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको मेडिकेशन देते हैं, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, आइस पैक्स लगाओगे, फिर आप एक्टिविटी स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से सूजन बन जाती है।
बाकी इसके अलावा जो अनकॉमन कॉजेज होते हैं उसके अंदर ट्यूमर भी एक कारण आता है। तो ये चार मुख्यतः कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें जोड़ के अंदर, स्पेशली घुटने के जोड़ के अंदर बार बार सूजन, जिसको हम कहते हैं पानी भर जाता है, वो आता रहता है। लेकिन सबसे जो कॉमन हमारे पास जो देखी गई है उसके अंदर होता है कि रोमेटोइड अर्थराइटिस, गठिया भाव, और दूसरा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर भी है, साइनोवियम थिकनिंग की वजह से बार बार इफ्यूजन होता रहता है। आप जाते हो, एस्पिरेट कराते हो, निकालते हो फ्लूइड को, थोड़े दिन के बाद आपको आराम मिलता है, फिर दोबारा से हो जाता है, फिर ऐसा ही होता है, फिर दवाइयाँ लेते हो, फिर निकालते हो, फिर ऐसा होता है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ साइनोवियम, साइनोवाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार ये प्रॉब्लम डेवलप होती रहती है। सो दोस्तों, ये थे मुख्यतः कारण जिसकी वजह से घुटने के अंदर सूजन आ जाती है, घुटने के अंदर पानी जमा हो जाता है। आने वाली वीडियोस को जरूर देखें जिसके अंदर हम बताएं किस तरीके से इनको ट्रीट किया जा सकता है, क्या घुटने में पानी को निकालना चाहिए, क्या इन्फ्लेमेशन हो गया तो हमें निकाल देना चाहिए, निकलवा लेना चाहिए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।